गोविंद सागर झील के किनारे स्थित बिलासपुर शहर देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ विभिन्न देवी देवताओं के प्रसिद्ध मंदिर स्थापित हैं, जिनका इतिहास काफी रोचक है। ऐसा ही एक मंदिर है माँ गासिया मंदिर, जो कि बिलासपुर जिला मुख्यालय पर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के परिसर में स्थित रंगनाथ मंदिर में स्थापित है। यहाँ माँ गासिया की मूर्तियाँ रखी गयी है। मान्यता है कि जो बच्चा तोतला या कम बोलता है या फिर बोलता ही नहीं, तो माँ गासिया मंदिर में माथा टेकने से वह शुद्ध और साफ बोलना शुरू कर देता है, जिसके बाद यहाँ पर अखरोट और चांदी की जीभ चढ़ाई जाती है। पहले माँ गासिया का पूजा स्थान पुराने बिलासपुर में हुआ करता था, जिन्हें पुराने बिलासपुर के जलमग्न होने के बाद नए शहर में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के परिसर में रंगनाथ मंदिर में स्थापित किया गया। दूर दूर से श्रद्धालु अपने बच्चों के साथ यहां माथा टेकने के लिए आते हैं। आइए आपको भी करवाते हैं इस मंदिर के दर्शन और बताते हैं यहां के कुछ रोचक इतिहास के बारे में। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं बिलासपुर के ऐतिहासिक श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के परिसर में, जहां पर मुख्य मंदिर के साथ माता गासिया का मंदिर है। मान्यता है कि जब कोई बच्चा बोल नहीं पाता या बच्चा थथलाता है बोलता हुआ, तो यहाँ पर पूजा करने से, यहाँ पर माथा टेकने से और अखरोट चढ़ाने से, साथ ही चांदी की जीभ चढ़ाने से, वो बच्चा सही तरीके से बोलना शुरू कर देता है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर मंदिर के पुजारी पंडित बाबूराम शर्मा जी। पंडित जी, क्या मान्यता है इस मंदिर के बारे में? यह जो है वो गासिया माता के नाम से जाना जाता है। अब गासिया क्या है, इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। गासिया होती है जो आसमान में उड़ती है, आसमान में उड़ती है वो ईलें होती है। तो ईल हर जीव का मांस खाती है, वो मांस खाती है जो भी किसी प्रकार से उसको उसका अधिकार है, लेकिन आदमी जो मर जाता है उसको जला दिया जाता है या दबा दिया जाता है, उसका अधिकार जो है वो उन ईलों को नहीं मिलता। वो क्या करती है, ये योगिनियों के रूप में फिर आकर के जो है उस परिवार में किसी भी प्रकार का रोग, बच्चे को तोतला कम तोतलाना बोलना, कम बोलना या बोलना ही नहीं, तो इस प्रकार का जब उसके ऊपर जो है वो खोट दोष कर देती है, तो यहाँ पर जो भी है इनको मानने वाले, इनको पूजने वाले, इनको कुल की देवी के रूप में मानने वाले, तो यहाँ पर आकर के जो है वो आकर के अखरोट लेकर के आते हैं। और कोई भी आप किसी भी प्रकार का फल ले लो तो उसको आपस में रगड़ो, उससे कड़कड़ की आवाज़ नहीं आएगी। खोड़ दो तीन चार हाथ में पकड़ो, उनको रगड़ो, उनमें कड़कड़ की आवाज़ आती है। मान्यता ये है कि बच्चा जो है वो अखरोट की तरह कड़कड़ करके बोलना शुरू कर दे, यहाँ पर जब मत्था टेकते हैं यहाँ ऐसी कामना करके जाते हैं। और साथ साथ जो है चांदी की जीभ को भी यहाँ पर सुखना करते हैं। बच्चा जब पूर्णतः बोलना शुरू कर देता है तो यहाँ पर आ करके पूरा चांदी की जीभ भगवती को भेंट करके जाते हैं, और साथ में जो है वो दोनों जो मूर्तियां हैं इनके पास बहुत प्राचीन समय से जो है इनकी इसी प्रकार की पूजा होती आ रही। पंडित जी, पहले ये जो मंदिर था ये पुराने बाजार में था, पुराने बिलासपुर में था, फिर यहाँ लाया गया, उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, ये पुराने बाजार में लखनपुर की जो ऊपर से नाला, खड्ड जिसको बोलते हैं, और उसके पास निकटतमी कहीं इनको जो है वो मंदिर का स्थान तो नहीं दिया गया था, लेकिन एक जिसको बोलते हैं एक द्वार टाइप पे, एक गुफा टाइप पे, उस खड्ड के किनारे पर जो है इस प्रकार का था। वहाँ पर ऊपर जो है वो ईलें बैठी होती थी और नीचे इनका जो है वो पूजा का स्थान बनाया गया था, और वहीं से ही इन मूर्तियों को उठा करके, काशियों को उठा करके वो पुराने बाजार से जो है यहाँ पर लाया गया, और उसी तरह से इनकी मान्यता पूजा की जा रही है जैसे पुराने बाजार में की जाती थी। ये सिर्फ लोकल लोग यहाँ पे आते हैं कि बाहर से भी लोग इस मान्यता को मानते हुए यहाँ पर आते हैं? यहाँ कई पुरखों से जो है इनको पूजते आ रहे हैं, जिन्होंने इनको कुल देवी के रूप में मान रखा हुआ है, वो चाहे कहीं भी है, यहाँ स्थानीय है या कहीं बाहर है, या कहीं पंजाब में चला गया, हरियाणा में चला गया, दिल्ली में चला गया, जो जिनके बुजुर्ग इनको पूजते आ रहे हैं वो आगे से आगे चलती गई इनको पूजते हो, वो हर वर्ष इनको पूजने के लिए यहाँ पर आते हैं, और बच्चों की सुख शांति के लिए और पूरा पूर्णता वो बोले, बोलने में किसी प्रकार की रुकावट ना हो, सब लोग यहाँ पर आते हैं, और विशेष करके मंगलवार के दिन। मंगलवार के तो देखिए किस तरह से इस मंदिर की मान्यता है, इनकी मान्यता है,
और दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। तो ये थी एक विशेष रिपोर्ट बिलासपुर से, सहयोगी विकास के साथ बिलासपुर से अभिषेक सोनी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अभिषेक सोनी के साथ विकास कुमार की रिपोर्ट।